मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर फर्जी तरीके से पेपर देते हुए एक शख्स पकड़ाया गया है। पूरा मामला लखनादौन के स्वामी विवेकानंद कॉलेज का है, जहां स्वामी विवेकानंद कॉलेज में BA सेकेंड ईयर के परीक्षाएं चल रही हैं। यहां पर मुन्ना भाई MBBS फिल्म की तर्ज पर एक ऐसा ही सीन देखने को मिला, जहां सिवनी जिले के लखनादौन स्वामी विवेकानंद कॉलेज से ये मामला सामने आया है। देवेंद्र राजपूत की जगह सौरभ गोलहनी पेपर दे रहा था, इसको टीचर्स के माध्यम से पकड़ाया गया है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी ये व्यक्ति 2 पेपर दे चुका है। इस घटना के बाद प्राचार्य के द्वारा उसे थाना लखनादौन को सौंप दिया है और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और उसने बताया कि सर एक लड़का है जो यहाँ दूसरे के जगह में परीक्षा दे रहा है। उसने जैसा ही हमें बताया, तुरंत हमने डुप्लीकेट दिखवाया। उसके बाद तीनों कमरे जहाँ पर परीक्षा हो रही थी वहाँ पूरा चेक कराए। पहले एक बार में समझ में नहीं आया, उसके बाद CCTV कैमरा जो हमारा लगा हुआ है उससे भी, फिर उसके बाद में हम 3 लोगों को पुनः चेक कराने के लिए लगाए और लगाने के बाद फिर हम आधा घंटे में उसको छात्र को टेस्ट करेंगे। सर इसकी जांच करने के बाद में तुरंत उसको उठा करके हम इन्हें यहाँ कंट्रोल रूम में ले आए और लाने के बाद में हमने पुलिस को फोन किया। उनके आने के बाद में आवेदन बना करके और पुलिस को हैंडल किया। सर इस कॉलेज की पूरी पूरी की पूरी जो भी जिम्मेदारी वो आपकी बनती, क्योंकि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और क्या कुछ था ऐसे कि आपको ही पता नहीं चल पाया और बच्चा अंदर आके पेपर दे रहा है और कहीं ना कहीं इसमें आपकी लापरवाही दिखाई देती, क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं भाई, देखो छात्र जो अपना प्रवेश पत्र लेके आता है, प्रवेश पत्र लेने के बाद में लेकर के भाई छात्र बैठते हैं, अभी तक कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और छात्र की संख्या ये रहती है तो प्रत्येक छात्र को जब हम डुप्लीकेट में साइन कराते हैं तो हमारा इन्विलेटर बकायदा उसको चेक करता है। क्या सर जो डुप्लीकेट जो आपका क्या है सब लोग साथ में जाते हैं जनरली, जैसे होने का ऐसा नहीं है कि भाई जानबूझ करके हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां अब इसके पहले इतना दिन तक अपना परीक्षाएं चल रही है हम करा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे पता चला अपन ने तुरंत टेस्ट किया उसको, जैसे ही हमारे को जानकारी में आई, हमारे संज्ञान में आया, हमने तत्काल उसको चेक कराया। और चेक करा करके सर छात्र से पूछे तो उसने किसका नाम लिया ऐसा कुछ है? अभी छात्र ने जो हमने पूछा है उसको तो बताया कि नीलेश गुल्हानी का नाम उन्हें बता रहा है सामने में कि उसके कहने पर बैठे, तो उसको भी हम ट्रेस करेंगे। नीलेश गुल्हानी भी यहाँ के टीचर है ना? हाँ, अतिथि अपने जनभागीदारी में है उसको। अच्छा। अब जैसे अभी वो आता है उसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे तत्काल। तो सर क्या जब बच्चा अंदर गया था पेपर दे चुका था या पेपर देना स्टार्ट किया था उसने? दे रहा था। तो सर इसमें तो जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके स्टाफ को गेट पे रहना चाहिए और आई कार्ड वगैरह चेक करने चाहिए, उसमें फोटो होती है। हाँ। फिर तो वो जान पूछ के की गई लापरवाही है आपके द्वारा कि फोटो में पहचान नहीं पाया। जो वीक्षक रहेगा और वो चेक करता है भाई, हर जगह तो अपन ये नहीं कर सकते। वहाँ चेक होने के बाद जैसा जब पता चला कि भाई ऐसा डाउट है, हमने तत्काल उसको किया है। हम यदि ट्रेस उसको नहीं करते या नहीं लाते या हम उसको संज्ञान में सामने लोगों के सामने नहीं लाते या हैंडओवर नहीं करते, तब बात की है। हमको जैसे ही पता चला हमने तत्काल उस पर कार्रवाई करी है। तो सर हमारा कहने का मतलब वही है कि पता तो आपको बाद में चला, तो पहले क्या कर रहे थे टीचर्स? कहने का मतलब ये है कि आप जब गेट में एंट्री होती है उस समय आप आई कार्ड चेक करते हैं बच्चों को, ऐसी एंट्री दे देते? नहीं नहीं, चेक होता है, बकायदा होता है। तो उस समय क्यों नहीं ट्रैक कर पाया आप, ये कहना हो सकता है भाई? मिस हो गया भाई, हजारों लड़के परीक्षा देते हैं, मान ली इसमें तो आपकी लापरवाही माननी जाएगी। लापरवाही तो है उसमें कहीं ना कहीं, आपकी आपके जो शिक्षक प्रभारी है स्टाफ है जो, यदि मान लो ऐसा भाई मिसप्लेस मान लो हो गया या ये हो गया, तो ऐसा हम एकदम से यही नहीं कह सकते कि भाई इतने छात्र दे रहे हैं इतने दिन से दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। मान लो ये है, मान लो हमारा जैसे ही हमको संज्ञान में आया हमने तत्काल उसको इसकी जानकारी क्या आपने संकुल प्रभारी को ऊपर दी है? किसको इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी में दी है क्या? दे दी है, बिल्कुल भिजवा दी है, अभी तत्काल भिजवा दी उसकी कॉपी। ये कौन लड़का है जो मतलब किसी छात्र के नाम से मतलब परीक्षा दे रहा था? सौरभ गुल्हानी नाम जो देवेंद्र राजपूत के नाम से, देवेंद्र राजपूत अभी उसका जब प्रवेश पत्र जो किया है उसको हमने हैंडओवर कर दिया पुलिस को, आगे कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर वो टीचर के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते फिर? हम उसको अलग कर देंगे बिल्कुल तत्काल।
तत्काल प्रभाव से? हाँ तत्काल, बिल्कुल तत्काल प्रभाव। क्या नाम बताया सर टीचर का आपने? अभी उसके बताए अनुसार कि नीलेश गुल्हानी ने बोला है, ऐसा उनने कहा है, ऐसा उस छात्र ने बताया है। हाँ छात्र जी, तो उसको हम तत्काल कर देंगे सर। इस कॉलेज परिसर में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, फिर भी आप इस सवालों से हमारे हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता अंदर कैसे क्या आ गया, कौन आ गया, वो तो हमें बाद में पता चला है। नहीं नहीं, हम हाथ क्यों पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है, जो अच्छा वही हमारा, जो भी अच्छा भी होगा उसके लिए भी बुरा भी होगा। अब जैसे हमारे को पड़ा, हमने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर के हम हैंडओवर कर दिए। जो भी हमारे छात्र के जो भी समस्याएँ रहेंगी तो उसको तो हम तो अभी सुलझाएंगे भाई, तो कोई बात ही नहीं सर। कुछ मामले आपके सामने आ गए तो उस पर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, हाँ। ऐसे कई मामले जो आपके सामने नहीं आ पाते, हाँ। उस संबंध में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे संज्ञान में जो आएगा तब तो हम कार्रवाई करेंगे भाई, हमको पता नहीं चलेगा भाई कौन क्या कर रहे हैं, हमको क्या मालूम। जब सर, हमारे साथ आपके कोई गार्ड या कोई कर्मचारी की ड्यूटी रहती है? हाँ बिल्कुल रहती है, अभी हम गेट में जनभागीदारी अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमने पास कराए हैं, जैसे ही परीक्षा क्या नाम आचार संहिता खत्म हो गए अब काम शुरू होगा उसका। आप बता पाएंगे आज आपने गेट में किसकी ड्यूटी लगाई थी? अभी वहाँ लगाए होंगे, अभी बताएंगे हमारे काम शुरू। नहीं सर लगाए होंगे, नहीं नहीं उसमें भी सब रहता है ना। हाँ पूरी जानकारी आपको होना चाहिए ना, किसकी ड्यूटी कहाँ है? सुपरिटेंडेंट का है, जो परीक्षा सुपरिटेंडेंट है, परीक्षा पाली का अधीक्षक होता है, उसके द्वारा ये सब काम किया जाता है जो हम लगाते हैं सुपरिटेंडेंट के अधीक्षक फर्स्ट। तो सर किसकी ड्यूटी कहाँ लगाई जा रही है, क्या आपके जानकारी में नहीं रहती ये बात? नहीं हम बता देते हैं उसको, जो अब रहेगा रजिस्टर तो रहता होगा सर, साइन इन करके होगा, पक्का होगा वहाँ। कुल मिला के आप पूरी जिम्मेदारी नीचे के स्टाफ पे डाल देते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं रहता? कैसे बात कर रहे हैं आप, तो यही कहना चाह रहे हैं ना, जो जिस परीक्षा अधीक्षक है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी है, परीक्षा अधीक्षक जो हम बनाते हैं उसके द्वारा सभी ड्यूटी लगाने से लेकर के परीक्षा के संपादन से लेकर के जितने किस कमरे में क्या लगना है, ड्यूटी चार्ट क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी है। कौन है परीक्षा अध्यक्ष आपको? दूसरे साहब है, अभी भेजे हैं उनको हमने, अभी बोला अभी आते हैं, उनसे भी बात कर लीजिए आप। सर एक बात हो, ये आपका जिस CCTV फुटेज पूरे कैंपस में और यहाँ पे लगा हुआ है, क्या ये प्रॉपर काम करता है? कर रहा है, वहाँ लगा। कैसा क्या मामला था इधर का भाई? एक जो विद्यार्थी है वो किसी और के उसमें एग्ज़ाम दे रहा था, वो अभी पकड़ भी गया, उसके ऊपर FIR भी हो गई, पुलिस लेके चली। इसकी जानकारी कैसे लगी? इसकी जानकारी विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष हैं उनने दिया था। अच्छा तो उनको दोनों को ले गए, और टीचर के लिए? टीचर के लिए अभी तो कार्रवाई चल रही है, तो जैसे ही हो जाएगी तो टीचर भी उसके खिलाफ भी FIR होगी। अच्छा दोनों खिलाफ उसको अलग कर देंगे, उसको हटा भी देंगे, और जो संज्ञान में आएगा तो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी।